कमेंट्स किया है। बबलू मंडल जी एक सवाल रखे हैं, फरजान खान फालतू के बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, बबलू मंडल जी को क्या जवाब देंगे? विजय जी, सबसे पहली बात कि फरजान खान पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव हैं और वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, पार्टी के सेकंड मोस्ट टॉप सीट पे वो बैठे हुए हैं, पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जयराम महतो जी के विश्वास पात्र हैं और उनका अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पार्टी के अगेंस्ट गया हो, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के JBKSS पारसनाथ के हैंडल से एक मैसेज किया गया, साजिश किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, क्या क्या इस मैसेज को रखेंगे पारसनाथ मंडल के लिए? बिल्कुल, उनके लिए ये जवाब होगा कि पार्टी साजिश के एंगल से भी देख रही है, यही कारण है कि 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कि अगर कोई साजिश हुई है तो उससे पर्दा उठाया जा सके। कार्तिक कुमार जी का कहना है 1932 के नाम पर ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए व्योम टीवी के पेज पर एक चीज विजय जी मैं सदैव एक बात रखता हूँ कि जितनी पारदर्शिता से हम लोग बातों को रख सके, पहले हम लोगों ने किसी के बारे में बात रखा, फिर हम लोगों ने अपना व्यू रखा, अब पब्लिक के भी व्यू का ओपिनियन को आज मुझे लगता है कलेक्टिव तरीके से विजय सिंह जी से बेहतर कोई JBKSS के अंतर्गत नहीं इसको डिफाइन कर सकते। कार्तिक कुमार जी का कहना 1932 के नाम पर ये लोग जनता को गुमराह करें, क्या कुछ कहेंगे कार्तिक कुमार जी को? कार्तिक कुमार जी के लिए जवाब यही है कि ये उनका भ्रम है और वो किसी और पार्टी के लॉयलिस्ट है। 1932 पार्टी का कोर इशू है और ना सिर्फ 1932 बल्कि हम लोग झारखंड के अंदर लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो भी एरिया में हुआ है उसको स्थानीयता परिभाषित करने का आधार मानते हैं, ये क्लियर है। चलिए अंतिम चंद शब्दों के माध्यम से ये जानना चाहेंगे, खासकर विजय सिंह जी को जब हमने देखा है जेल कैंप के अंतर्गत, बड़ा सुझा बुझा बारीक ढंग से शब्दों को रखते हैं, हम लोगों को भी पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है जरूर, लेकिन भाई ये बात तो है कुछ तो मजबूरियां रही होगी, तूफान यूं नहीं उठा। अभी हम ये नहीं कहेंगे कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई बेवफा नहीं होता, अगर आग लगा है धुआं उठा है तो पानी गिरा के बुझाइएगा या बिल्कुल ऐसे साफ रख दीजिएगा। 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, कहीं अगर धुआं उठा है तो वो तपिश वो कमेटी महसूस करेगी और अगर कमेटी महसूस करती है तो उस तपिश के आधार पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर तपिश नहीं है, अगर कोई साजिश है तो फिर पार्टी अपने महत्वपूर्ण सदस्य को गंवाना नहीं चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी। अब नवंबर और दिसंबर में जिस तरीके से ठंडा होगा, ठंडा में भी देख गर्मी का एहसास आप लोग कराने जा रहे हैं पार्टियों के अंतर्गत, जेल के एम की धमक आपको मुबारक हो। बस एक ही चीज चाहेंगे, अगर रिजवान जी निर्दोष पाए जाते हैं तो पार्टी उन्हें कभी गंवाना नहीं चाहेगी। मैंने साफ कर दिया है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर विजय सिंह जी को सुना कि चंद प्रश्नों के साथ हम लोग उनके साथ रूबरू हुए, यहां तक कि नीचे हैंडल पर जिन लोगों ने प्रश्न रखा है उस बात को भी हम लोग अपडेट किए। बहुत सारे दर्शक खासकर व्योम टीवी के पेज पर तीखा सवाल रखते हैं, मैं भी हमेशा तीखा सवाल रखता हूं, मेरा यह काम है, मैं नैतिकता के आधार पर नहीं, मैं सामाजिकता के आधार पर नहीं, बल्कि जो न्यायप्रिय संगत बातें होती है उसी के आधार पर अपने राजनीतिक लोगों से मिलजुल कर पत्रकारिता का परिशिष्ट आपके पद तक पहुंचाता हूं। अब बात उठता है कि रिजवान सही है या गलत, ये ना तो मैं कह सकता हूं ना पार्टी का कोई इंसान। पार्टी के केंद्रीय समिति के द्वारा 7 सदस्यीय टीम गठित किया गया, गठित करने के बाद अब वास्तविक स्थिति क्या कुछ होगा, थोड़ा शब्द रखिए, बकाइए नहीं, धैर्य के साथ ही राजनीति की परिशिष्ट और रूपरेखा तैयार की जाती है। अचानक ना तो पार्टी इतने बड़े कद को गंवाना चाहेगी, ना किसी प्रतिष्ठित अखबार के पन्नों के सहारे एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है। वोट की राजनीति के अंतर्गत JBKSS जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो सदैव एक बात कहते हैं, हालांकि ये तो मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका कहना है ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त करूंगा। चलिए क्या कुछ होता है, कल फिर हम लोग मिलेंगे। एक बड़ा कद है रिजवान JBKSS के अंतर्गत, जेल केम के अंतर्गत जिस तरीके से परिपाटी उन्होंने रची है, मैंने तो स्पष्ट तरीके से कहा आज कैमरे पर, जय बीरू की दोस्ती है, इतने आसानी के तरीके से साजिश से तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर गलत हैं तो लगता है जयराम जी को क्या करना चाहिए वो खुद एक समझ सकते हैं। जय हिंद श्रीमान। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, आपसे अनुरोध रहेगा तीखे प्रश्नों के प्रहार के साथ आपके साथ हमेशा रूबरू होंगे, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय जय।